नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है और इस बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो वे जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हल्फनामा लेकर आएं। उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग द्वारा ओपीटी की समस्या का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग इसलिए रोक दी गई थी कि उनके नाम में भिन्नता है। तो बड़ी अपडेट, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, आप सबकी काउंसलिंग को लेकर के शिक्षा विभाग चाह रही है कि जल्द से जल्द हो जाए। तो जल्द से जल्द के लिए आप सभी को यह छूट दिया गया है। जो भी साथी पहले कह रहे थे कि नाम में कुछ गलती हो गई है और उनको ओटीपी नहीं आ रहा था, तो अब आप जाकर के अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जो भी साथी हमारे अभी इसमें सफल हुए हैं उनको बड़ी मैं एक तरह से देखा जाए तो आगे के लिए बधाई भी देता हूं, क्योंकि आपने बिहार में शिक्षक बनना है और गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लाता हूँ, लाता रहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर धन्यवाद साथियों।